Well, during the pandemic, it was fantastic that the vaccines got invented, and India made a lot of those. Sadly, in many countries, the fear of vaccination and even rumors about vaccines became a big problem. And you had actually very little of that here in India. So I'm curious, how did you manage the communication, and why do you think it came out better here? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है. एक तो मैंने वायरस के खिलाफ ये लड़ाई जो है ये हम सबकी है, ये लोगों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया. ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई है. ये पहली मेरी फिलॉसफी थी. दूसरा, मैं डे वन से कम्युनिकेट करने लगा सबसे, डायरेक्ट मेरे देश के लोगों से बात, खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा, सब चीजें पब्लिकली मैं उदाहरण के रूप में जाने लगा लोगों के सामने. फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ. हमारे देश में इसकी बड़ी मजाक करने के प्रयास हुआ, लेकिन मुझे लोगों को विश्वास में लेना था कि भाई हमें ये लड़ाई साथ लड़नी है. जब ये विश्वास बन गया कि हमें अपनी जिंदगी बचानी है औरों की जिंदगी बचे इसमें मदद करनी है, तो एक प्रकार से मास मूवमेंट बन गया. और उसके कारण मुझे बाद में जो भी चीज कहता था देशवासियों को, वो मुझे मदद करते. फिर मुझे क्वेश्चन नहीं करते थे कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, उनको लगता था. और लोग भी एक दूसरे को कहते थे मास्क लगाओ. तो ये जन आंदोलन बन गया, एंड डेमोक्रेटिक वे में डंडे से काम नहीं होता है. आप लोगों को एजुकेट कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए. ये मेरा बहुत बड़ा अभियान रहा और उसके कारण मुझे वैक्सीन में बहुत बहुत बड़ी सफलता, किसी ने मुझे रोका नहीं. आर्थिक रूप से मुझे बहुत बड़ा बोझ आया क्योंकि मुझे वैक्सीन बनाने में रिसर्च करनी थी, फिर विश्वास दिलाना था कि यही वैक्सीन चलेगी, तो मैं खुद सबसे पहले वैक्सीन लेने लगाया. और मेरी वो 95 एज की मेरी माँ थी उस समय, मेरी माँ ने भी पब्लिकली वैक्सीन लिया, तो मैंने उदाहरण करके दिखाया तो लोगों को भरोसा पड़ा कि भाई ये जिंदगी बचा सकती है. आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर के, खास करके बच्चियों के लेकर, मैं भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहता हूँ. और मैं उनको कहना चाहता हूँ इसमें भी आप लोकल रिसर्च कीजिए, वैक्सीन बनाइए, और बहुत ही कम पैसों में मैं मेरे देश की सभी बच्चियों का वैक्सीनेशन करूँ. और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे वो स्थिति पैदा करूँ, उस दिशा में इन दिनों में काम कर रहा हूँ. जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफ़ी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूँ ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी बचे. मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ. सरदार वल्लभ भाई पटेल 1930 के आसपास अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उस समय नगर पालिका होती थी, उसके मेयर थे. और उस समय एक एपिडेमिक की स्थिति पैदा हुई, वैक्सीनेशन करवाना था. कुछ लोगों ने रिलीजियस कारणों से उस समय वैक्सीन लेने से मना कर दिया, रेजिस्ट किया. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ा कड़ाई की और कंपल्सन किया कि भाई मुझे सारे की जिंदगी बचानी है. यानी ये रेजिस्टेंस दुनिया के हर देश में सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अगर उसको ओपन अप करके हम करें तो शायद ठीक हो जाता.